हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका यश और आज हम बात करने वाले हैं द रियल हिडन हीरो ऑफ आवर लाइफ इज अवर फादर के बारे में। तो यार जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो यार आजकल के यंगस्टर अपने मम्मी पापा के सेक्रीफाइस को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि कितने सेक्रीफाइस हमारे फादर ने हमारे लिए किए हैं जो हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं। वो ये सारे सेक्रीफाइस भूलते चले जा रहे हैं और अपने आप को अपने फादर से ज़्यादा बड़ा दर्जा दे रहे हैं कि हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्मार्ट नहीं, आप मूर्ख हैं। जी हाँ, आप मूर्ख हैं, गधे हैं, जो आप अपने आप को अपने फादर से ज़्यादा देख रहे हैं। बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए, रहेगा लड़का पापा का ही। हाँ, रिलेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यार आजकल के टाइम में जो हम यंगस्टर ये गलती कर रहे हैं ना अपने फादर को भूलने की, सबसे बड़ी गलती है। अगर ये गलती ऐसे ही आप दोहराते रहेंगे ना तो सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकती। मेरी गारंटी है, सक्सेस आप पा ही नहीं सकते। क्योंकि यार आप उन माँ बाप को अनदेखा कर रहे हैं जिन्होंने आपको इस मुकाम तक खड़ा किया है। सक्सेस जितनी अभी तक आपको सक्सेस मिली है ना, थोड़ी बहुत जितनी भी, उसके पीछे हाथ है आपके पापा का, मम्मी का। आप उन्हीं को अनदेखा करते जा रहे हैं। और यार पापा का रोल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। हमको सक्सेस दिलाने में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पापा का। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं हमारे पापा। इस दुनिया में इतना सपोर्ट कोई नहीं करेगा किसी को जितने हमारे पापा हमको करते हैं। फिर भी कुछ यंगस्टर ये करते हैं, कुछ अगर बाइक चाहिए या कार चाहिए तो घर में बात करते हैं। अगर पापा मना कर दें तो क्या बोलते हैं, मैं जहर खा लूँगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा या फिर खाना नहीं खाएंगे। क्यों? कभी कोशिश करी है कि फाइनेंशियल इशू समझने की? कभी ये कोशिश करी है कि क्या दिक्कत है जो हमारे पापा हमको बाइक नहीं दिला रहे हैं या कार नहीं दिला रहे हैं? कुछ ना कुछ यार फाइनेंशियल इशू रहा होगा जिस वजह से वो पूरा नहीं कर रहे हैं। पर नहीं, आजकल का यंगस्टर ये समझेगा क्यों? और समझेगा, अगर वो समझना भी चाहता है ना तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। समझना चाहता ही नहीं है कि ये दिक्कत आ क्यों रही है। बस उसको अपनी बाइक से मतलब है और अपने घूमने से मतलब है बस। और आजकल गर्लफ्रेंड के चक्कर में माँ बाप को तो लोग ऐसा साइड कर रहे हैं कि जैसे माँ बाप उनके लिए कुछ है ही नहीं। छोटा सा एग्जांपल ये है ना, अगर गर्लफ्रेंड 5 मिनट को फ़ोन करके बोल देना कि मुझे यहाँ से वहाँ ड्रॉप कर दो, तो तुम 5 मिनट हो, धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तुम 5 मिनट लेके बाइक उठा के छोड़ने चले जाओगे। पर अगर माँ बोल देना मुझे यहाँ से लेके बाजार तक छोड़ दे, तो तुम बोलोगे यार अभी धूप हो रही है या थोड़ी देर में चलेंगे। क्यों? मतलब जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया है उनका प्यार छोटा पड़ गया तुम्हारी 4 दिन की गर्लफ्रेंड के आगे। हैट्स ऑफ ब्रो, सही है। अगर ऐसे ही चलता ना तो सक्सेस तो भूल जाओ, सक्सेस का एस भी नहीं मिलेगा तुमको। तो भाई माँ बाप को समझो, उनकी कीमत को समझो, कितने कीमती वो हैं। उनसे ज़्यादा कीमती आपकी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। उन लोगों से उनकी कीमत पूछो जिनके पास उनके माँ बाप है ही नहीं, उनके फादर उनके साथ है ही नहीं। जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर खड़े हैं ना, तुम कभी हार ही नहीं सकते। गारंटी है मेरी, हार नहीं सकते तुम। जिस दिन उन्होंने आशीर्वाद का हाथ हटा दिया ना तुम्हारे सिर के ऊपर से, कभी नहीं आगे बढ़ सकते मेरे भाई, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो भाई आशा करता हूँ थोड़ी सी इस वीडियो से थोड़ा सा कुछ समझ पाओगे, थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि कितनी इम्पोर्टेंस फादर और मदर आपकी ज़िंदगी में है, उनकी इम्पोर्टेंस। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को शेयर करना यार, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए हर हफ्ते। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।